बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम थिंक एंड ग्रो रिच जो एक जबरदस्त बुक है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो गेट रेडी टू गेट सम थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। यस, इस बुक के ऑथर है नेपोलियन हिल, जो कि बहुत ही जाने माने ऑथर और राइटर हैं। इस बुक में 13 पॉइंट्स के बारे में वो बात करते हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्लीज़ ये समझ लीजिए कि अमीर बनने का मतलब पैसा कमाना हरगिज़ नहीं है। यहाँ पर अमीर बनने का मतलब ये है कि आप सक्सेसफुल बने हर फील्ड में, जिसमें भी आप काम कर रहे हैं, इसमें अच्छा काम करें और आगे बढ़ते जाएँ। तो चलिए हम बग़ैर टाइम ज़ाया किए बग़ैर इन 13 पॉइंट्स को समझते हैं, फिर इन पॉइंट्स को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और इनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, पुरशिद्दत ख्वाहिश। पुरशिद्दत ख्वाहिश क्या होती है? बड़ा मुश्किल लग रहा है ना सुनने में, उर्दू में ऐसे ही होता है। उर्दू बहुत सारे लोगों की कमज़ोर होगी जो सुन रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, मैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बता देता हूँ, आपको ईजी हो जाएगा। पुरशिद्दत ख्वाहिश को इंग्लिश में कहते हैं बर्निंग डिज़ायर। जी, क्या कहते हैं? बर्निंग डिज़ायर। बर्निंग डिज़ायर क्या होती है, हम आपको आगे लेके चलते हैं, फिक्र नहीं कीजिए। एक बात हमेशा याद रखें कि आपको अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में, चाहे अमीर बनना है या सेहतमंद बनना है या चाहे कुछ भी करना है, लेकिन आपके दिमाग में एक शदीद ख्वाहिश, पुरशिद्दत ख्वाहिश होनी चाहिए, और वो सिर्फ एक ही होनी चाहिए। हो सकता है कि वो ख्वाहिश अमीर बनना हो सकता है कि वो किसी ख़ास फील्ड में बहुत ज़्यादा आला मकाम हासिल लाना हो सकता है कि वो किसी एक फील्ड में बहुत अच्छे मार्क्स लाना हो, एक प्रोमिनेंट पोजीशन बनानी हो। ये हमारी एक ही ख्वाहिश होनी चाहिए और यही हमारा पहला कदम है। यहाँ पर नेपोलियन हिल कहते हैं कि ख्वाहिश ही सब कुछ है। अगर आपको पैसे चाहिए तो वो पैसे आएंगे, अगर इसे हासिल करने की ख्वाहिश आपके अंदर है, ऐसी ख्वाहिश जो आपके जहन और आपके माइंडसेट को इसके बारे में सोचने पर मजबूर करे, तो वो चाहे हेल्थ की हो, रूहानियत की हो, पैसे की हो, कोई भी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन आपके अंदर इस ख्वाहिश का होना सबसे पहला सबक, सबसे पहला लेसन, सबसे पहला जूस है। ठीक है, इस ख्वाहिश को लेकर अगर आप राइट एक्शन लेते हैं, सही अमल करते हैं, सही डायरेक्शन में जाते हैं, तो और आपके अंदर ऐसी शदीद ख्वाहिश है तो आप सही अमल हासिल करके इसको, इस शदीद ख्वाहिश को, इस पुरशिद्दत ख्वाहिश को, इस बर्निंग डिज़ायर को हासिल कर सकते हैं। याद रखें, अमल के बिना कुछ भी नहीं है, आपको अमल तो करना ही पड़ेगा। क्या कहा मैंने? आपको अमल तो करना ही पड़ेगा। यू गॉट अ टेक अ डिसीजन, यू गॉट अ मूव, यू गॉट अ टेक एक्शन। बड़ी हमारी जो शदीद ख्वाहिश होती है, हमें इसको हासिल करने का रास्ता ढूंढना ही है। जो हमारी पुरशिद्दत ख्वाहिश है, उसको ढूंढने का रास्ता हमें, उसको हासिल करने का रास्ता हमें ढूंढ लेना बहुत ज़रूरी है, तभी हम कामयाब होंगे। याद रखिए, कभी चाहे पैसे कमाना हो, चाहे कुछ भी करना हो, गलत रास्ते पर चलकर अगर आप वो चीज़ हासिल करेंगे तो वो आपको थोड़ी देर तक खुशी तो देगी, लेकिन बिलाखिर इसका फाइनल रिजल्ट बुरा ही होगा। As you sow, so shall you reap. जैसा बोएंगे वही काटेंगे। इसको एक और मुहावरा भी कहा जाता है, ये मेरे अपने अल्फाजे हैं, ट्रांसलेशन नहीं है बुक का, कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। बबूल काटे को कहते हैं, बाय द वे। इसलिए आपको याद रखना है कि आप अपनी ख्वाहिश को अच्छे रास्ते पर चलकर ही हासिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर नेपोलियन हिल अपनी लाइफ का एक ज़रूरी किस्सा बताते हैं कि मेरा बेटा बचपन ही से ना तो बोल सकता था और ना ही सुन सकता था। डॉक्टर्स ने कहा ये कभी ठीक ही नहीं हो सकता, जैसा कि नॉर्मली डॉक्टर बुरी खबर सुनाते हैं, आई एम सॉरी वी लॉस्ट हिम। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर्स ने, कि ये कभी ठीक ही नहीं हो सकता, लेकिन नेपोलियन हिल के अंदर एक शदीद, एक पुरशिद्दत ख्वाहिश थी, एक बर्निंग डिज़ायर थी कि मेरा बेटा सही हो जाए और ये इलाज से, और सही इलाज से बिल्कुल ठीक होगा। लिहाजा नेपोलियन ने इसका इलाज करवाया और अपने अंदर इस बर्निंग डिज़ायर को उसने मोजन और उसको जलाए रखा इस क्षमा को, कि ये मेरा बेटा ठीक होगा, जिसकी वजह से यू वोंट बिलीव के कुछ अरसे के बाद उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया।
क्या कहा मैंने, उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द बुक के लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो वॉज वर्किंग, कि अगर आपके अंदर एक डिजायर है उस डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो स्टार्ट्स वर्किंग। ठीक है, तो आपके दिमाग की कोई सरहद नहीं होती, कोई लिमिट्स नहीं होती, बस आपके दिमाग की वही लिमिटेशंस और हदूद हैं जो आपने खुद बना के रखी है। यस, नाउ यू गॉट इट। अपने दिमाग के अंदर जो पैदा हुई लिमिटेशंस हैं उनको आप खत्म कीजिए एंड यू लिव अ बाउंड्रीलेस लाइफ। नाउ लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर टू, फेथ। फेथ को उर्दू में तो ईमान कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ईमान से ज्यादा यहाँ पर फेथ से, नेपोलियन हिल का मतलब है यकीन। सही है, फेथ का मतलब होता है यकीन, जो हमारी ख्वाहिश को पूरा करने में हमारी मदद करता है। इसे आप भरोसा भी कह सकते हैं। एक और चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो भी यकीन है, इसमें सबसे बड़ा किरदार आपके सबकॉन्शियस माइंड का है। आपकी ख्वाहिश के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड में यकीन होना चाहिए, और वो पॉजिटिव यकीन है तो वो सच ज़रूर साबित होगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बार ये चीज़ आ गई कि ये चीज़ पॉसिबल है, तो इस चीज़ को होने से किसी के अब्बा मियाँ भी नहीं रोक सकते। ये मैं कह रहा हूँ, पॉलिन हिल नहीं कह रहा, अब्बा मियाँ। तो ये चीज़ पॉसिबल है तो आप इस चीज़ को करके ही रहेंगे और ये पॉसिबल होगा। अब ये उल्टा भी होता है, अगर आप हमेशा नेगेटिव लोगों में अगर रहते होंगे तो ये उल्टा भी होगा। तो नेगेटिव लोगों के साथ बातचीत करते हुए, नेगेटिव चीज़ें देखते हुए, नेगेटिव चीज़ें सोचते हुए, कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव ख्याल बना लेगा। फिर अगर आपकी कोई ख्वाहिश होगी तो आप इस तक कभी भी नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमेशा सेल्फ डाउट में ही रहेंगे कि अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव ख्याल डालने हैं तो सबसे पहले आपका जो गोल है इसे आप फिक्स कीजिए। आप अपने जो ख्याल आपके नेगेटिव माइंड में चल रहे हैं उनको किल करना पड़ेगा, तभी आप पॉजिटिविटी लाएंगे ज़िंदगी में, तभी आगे बढ़ सकेंगे। और सेल्फ डाउट जितने भी हैं उनको आप किल करके पॉजिटिव चीज़ें देखिए, पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में रिसीव कीजिए। इसे लिखिए, इसे पहले फिक्स कीजिए, फिर उसके बाद इसे लिखिए, फिर इसको बार बार अपने दिमाग में रिपीट कीजिए। इसकी एक परफेक्ट पिक्चर अपने दिमाग में बनाइए, या फिर हो सकता है कि आप गूगल से डाउनलोड करके, वो आपकी कोई भी ख्वाहिश है अमीर बनने की, हेल्दी होने की, या कोई आई डोंट नो मूवीज का सुपरस्टार बनने की, इसकी एक पिक्चर अपने दीवार के ऊपर लगा दीजिए, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको बार बार देखता रहे और इसको आपको याद दिलाता रहे। मान लीजिए कि आपको एक घर बनाना है, तो इसकी एक साफ पिक्चर अपनी दीवार के ऊपर लगा दीजिए और अपने दिमाग में भी इसको रखिए, अपने घर की दीवार पर भी इसको रखिए, जिससे आपका जब भी दिमाग जाएगा, जब भी आप इसको देखेंगे तो आपको अपना गोल सबसे पहले याद आएगा। नाउ गोल्स एंड गोल कुड बी सो मैनी। एक होता है लाइफ गोल, एक होता है हेल्थ गोल, एक होता है पर्सनल गोल, एक होता है फाइनेंशियल गोल, बहुत सारे गोल्स होते हैं। और कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। आप अभी हम लेट्स स्टिक टू द टॉपिक, कि इस बुक का जो ट्रांसलेशन है अभी हम उस पर ही बात करते हैं। तो लेट्स स्टिक टू द टॉपिक। अभी नेपोलियन हिल ने सिर्फ ये बात कही है कि आपका जो गोल है उसको दीवार के ऊपर लगा दीजिए, आते जाते देखते रहेंगे आप, आपको याद हो जाएगा। और इसी तरह मैं, यानी मोहम्मद आकिब, मैंने अपना जो ग्रेड 8, 9, 10 में जो हम साइंस पढ़ रहे थे, तो उसमें जो गैस की जो प्रॉपर्टीज थी, वो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस की, ऑक्सीजन की, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने इसी तरह याद की थी कि सब की प्रॉपर्टीज़ को लिख के एक बड़े से चार्ट बना के मैंने दीवार पे लगा दिया था, और मैं उसको दिन रात आते जाते सोने से पहले चलते फिरते देखता रहता था। इस तरह मुझे वो सारी गैसेस की सारी प्रॉपर्टीज़ याद हो गई थी। नाउ लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 3, ऑटो सजेशन।
ऑटो सजेशन का मतलब ये है खुद के दिमाग को समझाना, आप जो भी चीज हासिल करना चाहते हैं इसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालने के लिए नेपोलियन हिल ने सिर्फ 3 हल दिए, बहुत इजी है। पहला, अपने मकसद को एक कागज पर लिखिए, राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। दूसरा, इसे 7 अलग अलग जगह पर बैठकर दोहराएं। और तीसरा, इस काम को सुबह और शाम दोनों औकात में करें, ठीक है। ये एक टेक्निक है, एक तरह की एक मेडिसिन है जिसको आपने इसी तरह लेना है जिस तरह डॉक्टर ने बताया। तो इसमें अपनी इंजीनियरिंग अगर हम ना लगाएं तो बेहतर होगा, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो लफ्ज़ बोल रहे हैं इसमें आपकी फीलिंग्स भी जुड़ी हुई होनी चाहिए। बिना फीलिंग्स के, अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर एक फीलिंग्स हैं, एक एनर्जी है। अगर एनर्जी नहीं होगी और मैं आपसे इस तरह बात करना शुरू करूँगा, अपने जो भी गोल है उसको दीवार पर लिख लीजिए, आते जाते दीवार पर देखिए, दीवार पर आते जाते देखने से वो आपको याद होगा और इससे आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आएगा। इसमें आपको एनर्जी नज़र आई, सुनाई दी, समझ में आई, फील हुई, नहीं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो लफ्ज़ बोल रहे हैं इसमें आपकी फीलिंग्स भी होनी चाहिए। बिना फीलिंग से आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज़ को कबूल ही नहीं करता जी। हर प्रॉब्लम, हर फेलियर और हर दुख आपके सबकॉन्शियस माइंड की ही देन है। अब अगर आप सक्सेसफुल बनोगे तो इसमें भी आपकी मदद आपका सबकॉन्शियस माइंड ही करेगा, ठीक है। इस पॉइंट को, आप पॉइंट नंबर 3 को फिर से रिवाइंड करके जाके सुनिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 जो है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, खास इल्म। आपने जो भी गोल डिसाइड किया है ज़िंदगी का, हेल्थ का, पैसे का, जॉब का, इसको हासिल करने के लिए जो भी कुछ नॉलेज चाहिए है वो आपके पास लाजमी होना चाहिए। बगैर इस नॉलेज के आप इस गोल को, इस टारगेट को हासिल नहीं कर सकते। अगर आपको कहीं पहुंचना है और आपके पास इस चीज़ का या जगह का इल्म ही नहीं है, तो इसको आपने नींद में देखा हुआ ख्वाब समझ के आप इसको भुला सकते हैं। इसको इस तरह से समझिए कि आप फ़र्ज़ किया कि किसी बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में काम करना चाहते हैं और आपको जो बेसिक लैंग्वेजेस हैं, जावा जिसमें से जो है सबसे ज़्यादा ऑफ कोर्स प्रोग्रामिंग की जहाँ बात आती है वहाँ जावा का जिक्र ना हो तो ये जावा के साथ इंसाफ नहीं होगा। तो आपको जो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में ABCD भी नहीं पता, तो आपको उस कंपनी में कौन जॉब देगा, ठीक है। तो आपको उस जो भी टारगेट आपका है उस सिलसिले में उससे रेलेवेंट नॉलेज, जो है उससे रिलेटेड नॉलेज, जो इल्म है उस फील्ड से रिलेटेड, उससे मुतालिक जो इल्म, वो आपको ज़रूर हासिल करना है, तब आप उसमें कुछ काम कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे और सक्सेसफुल हो पाएंगे। दूसरे पॉइंट ये है कि आपकी जो 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 नॉलेज है वो बहुत डीप नॉलेज होनी चाहिए, यानी आपको उसकी निटिग्रिटी डिटेल्स तक जाना होगा अगर तो आपने उसमें सक्सेसफुल होना है, वरना आपकी कामयाबी जो है इनकम्प्लीट रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि आपका टारगेट जो भी है उस टारगेट से रिलेटेड जो नॉलेज हासिल कर रहे हैं वो नाकाफ़ी नॉलेज नहीं होनी चाहिए, वो काफ़ी से ज़्यादा होनी चाहिए, सही है। तो आप इस चीज़ को प्लीज ध्यान में रखिए कि आपने डीप इनसाइड द टॉपिक्स जाके इसको स्टडी करना है, समझना है, सीखना है, नहीं समझ में आया किसी से पूछना है, वरना यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा, दुनिया भर की नॉलेज यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, उस नॉलेज को हासिल करने का तरीका क्या है कि जी आप कुछ किताबें पढ़ें या आप इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर दुनिया भर की हर चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। आप उसको जाके वहाँ से पढ़िए, वहाँ से सीखिए। एक और तरीक़ाकार और भी है जिसको हम कहते हैं मास्टरमाइंड ग्रुप, मतलब अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जिनकी नॉलेज, जिनको उस चीज़ के से रिलेटेड नॉलेज पहले ही से ही है। जब आप इन लोगों के साथ उठे बैठेंगे, इनको काम करते देखेंगे, इनके ख्यालात सुनेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बिजनेसमैन है, आप किसी बिजनेसमैन के साथ उठे बैठेंगे तो आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कंपनी क्या होती है, कैसे बनती है, कैसे चलती है, लोगों को कैसे रखते हैं, कैसे फायर करते हैं, कितनी तनख्वाह पे रखते हैं, ठीक है, क्या प्रोडक्ट बेचनी चाहिए, क्या सर्विस बेचनी चाहिए, कितने की बेचनी चाहिए, कहाँ पर बेचनी चाहिए,
किस किस जगह भेजनी चाहिए, किस तरीके से भेजनी चाहिए, उसकी मार्केटिंग कैसे होनी चाहिए। ओ माय गॉड, कितनी कितना बड़ी ने इल्म नाजा के हर जर्रे में सहरा देखा। शायर कहता है, इल्म नाजा के हर जर्रे में सहरा देखा, जर्रा शाकी मेरा बस एक ही गोशा देखा। बाय द वे, ये शेर नेपोलियन हिल का नहीं था, ये मेरा भी नहीं था, ये किसी और का था, लेकिन मुझे यहाँ पर याद आ गया तो मैंने आपको सुना दिया। तो मतलब आपने उस टारगेट से रिलेटेड लोगों के साथ अपनी जो है ना अपने मेल जोल को बढ़ाना है, ताकि आप उन उससे रिलेटेड कुछ टिप्स हासिल कर सकें, कुछ सीख सकें। वो कहते हैं ना कि किसी आलिम के साथ गुजारा हुआ एक घंटा हज़ार साल के मुताले से बेहतर है। ठीक है, अच्छा, आप अगर इन बिजनेसमैन लोगों से या उस रिलेटेड फील्ड के एक्सपर्ट से अगर आप मिल नहीं सकते, तो आप उनके इंटरव्यूज़ ढूंढिए। आप जैसे जैक मा है या जेफ बेजोस है या बिल गेट्स है, इन लोगों के बारे में अगर आप इनसे सारी बातें मुलाकात नहीं कर सकते, तो आप इनके इंटरव्यूज़ देख सकते हैं, तो यू विल गेट टू नो देयर थाट्स। ठीक है ना, या इनके ऊपर जो बुक्स लिखी गई हैं वो बुक्स आप पढ़िए, या इन्होंने जो बुक्स लिखी हैं वो पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा कि वो कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, इनका दिमाग मतलब कैसे उन चीज़ों से रिलेटेड इनोवेशंस लेकर आता है। और जब आपका अपना दिमाग इस इंफॉर्मेशन से भर जाएगा, तो वैसे ही आइडियाज़ आपके पास भी आने लगेंगे और ऑटोमेटिकली आपको इसी तरह अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड में इसी तरह के लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद है, वो उसके बारे में सोचने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, मास्टरमाइंड ग्रुप का सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल है हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड ने मास्टरमाइंड ग्रुप की मदद से अपनी बहुत बड़ी कंपनी तैयार की, जिसको आज आप फोर्ड के नाम से जानते हैं। नाउ लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 5, वो क्या है? इमेजिनेशन, तखयल। तखयल क्या है? इमेजिनेशन, तखयल, थॉट्स, सोचना है, सोच से शुरू होगा। इससे भी आगे की एक और मंजिल है, जो किसी इंटरनेट में, यूनिवर्सिटी में, बुक में, हार्वर्ड में, हल्ट में, ऑक्सफोर्ड में नहीं पढ़ाई गई, मोहम्मद आकिब आपको आज बता रहे हैं। थॉट से भी आगे की एक और मंजिल है, और वो मंजिल है निगाहें। निगाहें, आँख क्या देख रही है, और आँख क्या देख रही है, वो है आपके सराउंडिंग, यानी आप जहाँ पर रहते हैं। अगर आप कचरे के पास खड़े होंगे, तो आप आसपास कचरा ही देखेंगे, और आपके दिमाग में कचरे से रिलेटेड ख्याल आएंगे, सही है। और अगर आप किसी बाग में खड़े होंगे, तो फूल आसपास नजर आएंगे, फूलों से रिलेटेड और खुशबू से मुतालिक आपका दिमाग में उससे मुतालिक ख्याल आएंगे। सो सराउंडिंग्स मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, सो यू नीड टू ऑल्सो सी कि आप किस जगह पर रहते हैं। इज़ देयर अ बेटर प्लेस टू मूव ऑन इफ इट इज़ इन योर बजट और नो। ठीक है, वो आपके लाइफ में, आपके बहन भाई अगर शादीशुदा हैं तो बच्चों की लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएंगे, कि आप जिस जगह पर रहते हैं, क्योंकि उनकी गैदरिंग उसी तरह के लोगों के आसपास होगी और उसी तरह का सोचने लग जाएंगे। आप सोचिए ना कि एक आप लोहार के पास बैठते हैं, तो आपके कपड़े ज़रूर काले होंगे, लेकिन अत्तार की दुकान के पास से भी गुजर जाएँ, तो हो सकता है कपड़ों में खुशबू आ जाए। ठीक है, तो आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। ऑर्गेनाइज प्लानिंग, मुनज़्ज़िम मनसूबा बंदी। आप जो भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं, इसको आपको, इसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करना होगी। अब आपका सवाल हो सकता है कि प्रॉपर प्लानिंग बनाने का मतलब क्या है भाई? आपको अपनी फील्ड में सबसे बेहतर लोगों को देखना होगा, और क्या करना है, जिसकी बात हमने मास्टरमाइंड ग्रुप में भी की थी। आपको अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना होगा जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, जो आपकी फील्ड की नॉलेज रखते हैं, जिससे आपके लिए एक प्रॉपर, जो आपके लिए एक प्रॉपर प्लान बना सकते हैं। अब आर्थर यहाँ पर यह भी कहते हैं कि हो सकता है आपका पहला प्लान बिल्कुल ही जो है ना सत्यानाश होकर फेल हो जाए, लेकिन आपको हार नहीं माननी, आपको फिर दूसरा प्लान बनाना, या तो मैं जीतता हूँ या मैं सीखता हूँ। ये बुक में नहीं था, अपने पास से ऐड कर रहा हूँ। या तो मैं जीतता हूँ या सीखता हूँ, हारता मैं नहीं हूँ, या तो जीतता हूँ या सीखता हूँ। इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए और दिमाग में बिठा लीजिए, सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लीजिए। और इसमें अच्छा, तो आपका अगर आपका पहला प्लान फेल हो जाए, तो आपको हार नहीं माननी, आपको दूसरा प्लान बनाना है। भाई ठीक है, एक दफा गिर गए उठ जाओ, फिर गिर गए फिर उठ जाओ, जितनी दफा गिरो उतनी दफा उठ जाओ,
तुमको कोई और आके नहीं उठाएगा. स्टॉप लिविंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ अदर्स. यू हैव टू गेट अप योरसेल्फ. यू नीड टू डू ऑल द रेस्ट द बेस्ट बाय योरसेल्फ. ठीक है, तो आपको ही दूसरा प्लान बनाना है, और अगर वो भी फेल हो जाता है तो आपको अपने प्लान को रीवैल्यूएट करना है कि मैं कहाँ गलती करना हूँ. मंजिल वही रहेगी, सिर्फ आपने रास्ता बदलना है, प्लान बदलना है कि यार प्लान ए फेल हो गया, प्लान बी से मैं कैसे वहाँ पहुँच सकता हूँ. मंजिल वही रहेगी. ठीक है, आपने अपनी गलतियों को देखना होगा, क्या क्या किए उनको सही करना होगा, एंड देन यू विल बी बैक अगेन ऑन द ट्रैक. अगर आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर है, अगर आपने अपने प्लान को चेंज किया अपनी ख्वाहिश को नहीं, तो आप अपनी ख्वाहिश तक ज़रूर पहुँचेंगे. ख्वाहिश से क्या मतलब, जो आपका डेस्टिनेशन है, जो आपका गोल है. डोंट चेंज द गोल, डोंट चेंज द डेस्टिनेशन. ओनली री इवेल्युएट द प्लान इफ यू आर फेलिंग, इफ योर बिजनेस इज डाइंग, इफ यू आर लूजिंग लॉट ऑफ रेवेन्यूज, यू नीड टू रिविजिट योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. डियर ऑडियंस, यू नीड टू रिविजिट योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड द क्वालिटी ऑफ योर सर्विसेज. देयर इज समथिंग समवेयर रॉन्ग बिग. Consultant Muhammad Aqib is the best trainer. Due to time limitation, we had to put only 6 points. You try to be a good learner. Please subscribe the channel and watch rest of the 7 more points in another video. Link is in the description. Big thanks for your time.